क्या बात कर रहा है? वो फटीचर लकी कॉलेज में 1 करोड़ की कार लेकर आया है। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया उसके? लकी की गरीबी की वजह से कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे, मगर उस दिन जब वो कॉलेज में एक महंगी गाड़ी में आया तो सबके होश उड़ गए। लकी के रंग ढंग बदल चुके थे, महंगी कार के साथ महंगे ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ी। ऐसा लग रहा था कि लकी रातों रात करोड़ों का मालिक बन चुका हो। उसे देखने के लिए कॉलेज में भीड़ लग चुकी थी। लकी की एक्स गर्लफ्रेंड डिंपल ने भी उसका ये रूप देखा, जिसने गरीबी की वजह से लकी को छोड़ दिया था। उसकी सहेली ने ताना मारते हुए उससे कहा, यार तू पैसों के लिए लकी को छोड़कर जिस लड़के के साथ अभी रह रही है, लकी तो उसे खड़े खड़े खरीद देगा। लगता है गलती कर दी तूने। डिंपल कुछ बोल पाती इससे पहले पुलिस की गाड़ी दंदनाती हुई कॉलेज में घुस गई। उसमें से इंस्पेक्टर नवीन सालवे उतर कर आए और पूछा, यहाँ लकी अग्रवाल कौन है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर सारे चौंक पड़े। लकी ने आगे आकर कहा, मैं हूँ लकी अग्रवाल, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? होटल ब्लू फाउंटेन में पिज्जा बॉक्स तुमने ही डिलीवर किया था? हाँ सर, वो बॉक्स मैंने ही डिलीवर किया था। क्यों, क्या हुआ? तो ये सच है कि बॉक्स तुमने डिलीवर किया था? इसका मतलब बॉक्स डिलीवरी करने पर 100 करोड़ रुपए मिलने वाली बात भी सच है ना लकी? इंस्पेक्टर की बात सुनते ही डिंपल और बाकी स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। पिज्जा बॉक्स को डिलीवर करने के 100 करोड़? हाँ, 100 करोड़ रुपए, क्योंकि उस बॉक्स में पिज्जा नहीं, ये था। इंस्पेक्टर ने जैसे ही वो चीज लकी के सामने रखी तो उसे देखते ही लकी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या ये मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने भी भोले मत बनो, तुम्हारे पिता ने ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। आखिर ऐसा क्या था उस पिज्जा बॉक्स में? किसने उस बॉक्स को डिलीवर करने के लिए लकी को 100 करोड़ रुपए दिए और क्यों? लकी के पिता ने पुलिस को लकी की खबर क्यों दी? उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अब क्या होगा लकी का? डाउनलोड पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर।